आज तो पूरी पहनना आई है, माय गॉड। छोटा 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 भाई तो एकदम छोटा 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 छोटा। तू कंट्रोल कर ले, आज मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। अरे सर, मैं तो आपको देख के डबल छोटा। सर आप प्यार देख के मैं अपने आपे के बाहर हो रहा हूँ। आपे के बाहर इस समय यहाँ पे जनता जनार्दन हो रही है, जिन्हें जोरदार ट्रेलर का इंतजार है। हाँ जी यार, मुझे भी बड़ा ही इंतजार है। मैं कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि ये ट्रेलर देखे, पिक्चर देखे, लोग अरसा हो गया यार। बहुत टाइम के बाद आपकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। आज तो बहुत स्पेशल है, आज तो बहुत 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 स्पेशल लोग आए हैं ऑडियंस में। यार बहुत टाइम से ऐसी एक हिंदी फिल्म नहीं आई है, क्लीन फैमिली एंटरटेनर, मतलब आपको खुश कर देगी। जैसे वो फिल्में होती है ना, थोड़ा बहुत हंसाती है, फिर टाइम आने पर रुलाती है, फिर थोड़ा मैसेज भी देती है आपको, लेकिन थ्रू एंड थ्रू एंटरटेन करती है। और क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब बच्चे बूढ़े सब एक साथ जा सकते हैं और एक साथ साथ में देख सकते हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फिल्म। आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर यू नो पैंडेमिक हो गया, ये हो गया, तो मुझे लगता है कि यार थिएटर में जाना चाहिए लोगों को, और एक दो जननी साथ में ग्रुप में बच्चे भी जाए, फैमिली के बूढ़े भी जाए, ग्रैंड पेरेंट्स जाए, सब लोग साथ में जाके एंजॉय करें। ऐसी टाइप की फिल्म है जयेश भाई जोरदार। गणपति बप्पा, तो जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए। जब तक जोरदार आवाज नहीं तब तक ट्रेलर लॉन्च नहीं। जयेश भाई जोरदार का बोले तो ट्रेलर को देख के मैंने बोला वाह, अब दूंगा अपनी मूंछों को दाव। हाय 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 हाय, मने तो ट्रेलर एकदम जोरदार लगा, तुम्हें कैसा लगा? जनता जनार्दन क्या बोलते हैं उस ट्रेलर? जोरदार। एक्सपेक्ट नहीं किया ना, एक्सपेक्ट नहीं किया ना, आपने तो पूरी फिल्म कर डाली। हां जी, आपने कल रात को पहले ही आके ट्रेलर देख लिया जी। आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा? जयेश भाई को खुद की फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? यार ट्रेलर तो क्या, मैंने तो पिक्चर भी देखी है, और मतलब ऐसे टाइप की फिल्म इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। कि मुझे याद है जब दिव्यांग ने पहली बार नरेशन दिया तो मैंने क्या महसूस किया था उस नरेशन में, वो तो प्रोनाउंस्ड तरीके से फिल्म में आपको फील होता है। आप हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, कब आप रो रहे हो, फिर laughing through your tears, crying through your laughter, मतलब a wave of different emotions and entertained throughout. ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन on the spot मैंने narration के बाद on the spot दिव्यांग ने मेरे को last frame बताया, और sir frame में ये होता है, लैस ये होता है, ये होता है, the end. मैं ताली बजाने लगा, दिव्यांग रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैंने जफ्फी पाली दिव्यांग को और मैंने बोला भैया ये फिल्म तो कर रहा हूँ। आदि सर रूम के अंदर है, बोला हाँ तो कैसा लगा? मैं बोला सर ये फिल्म तो करनी ही होगी। उसने बोला तू कर रहा है? तो आदि तो भैया शौक में, और मनीष सर और भी शौक में कि मतलब दो सेकेंड के अंदर कैसे हाँ बोल दिया तूने। बट दैट इज द पावर ऑफ द राइटिंग, इट इज वेरी ओरिजिनल, वेरी यूनिक एंड अस्टॉनिशिंग। जब भी मेरे को कॉल आया आदि सर का, उसने बोला, आदि सर ने बोला आई हैव अ मिरेकल स्क्रिप्ट, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिख दिया है ये लड़के ने, आके सुन ले। एंड वैसा ही हुआ, मैं कब हंस रहा था, कब रो रहा था, कब स्टोरी शुरू हुई, मैं बस खो गया उस दुनिया में, और नरेशन के खत्म होने पर ही मैंने हाजिर दी। मनीष सर शॉक, मनीष सर हैं हमारे, मिल लेते हैं उनसे, क्योंकि पहली स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, उनसे जान लेते हैं उनके क्या ख्याल है। जयेश भाई डन, तो फिर नाउ इट्स टाइम टू कॉल ऑन स्टेज द एंटायर टीम ऑफ जयेश भाई जोरदार। लेकिन मनीष सर को बुलाए उससे पहले एक खास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, बात ऐसी है, तो एग्जैक्टली अभी इनकी जोरदार आवाज नहीं आएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे?
और सबने ये कहा कि पहले हमारे बारे में कुछ जोरदार सुनाओ रणवीर सिंह से, तब आगे बढ़े। देखो यार रणवीर, इस पे कभी डाउट नहीं करना, सुना दे सिद्धू को, सुना दे 1 2 3 जोरदार 1 2 3। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑन द स्टेज मनीष शर्मा। कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं है, तूने क्या लिख डाला है? तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्या ठक्कर। Just because I love Jagesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart, pure guy and pure love. Like you, my brother. Whoa. So, jaisa ki Divyang ne bataya ki us samay jab ye likh rahe screen ke andar ghus ja, monitor ke andar ghus ja. Cut call. सबसे ज्यादा कौन रो रहे थे मैं? के बाद मेरे पास That's the power of his performance. I'm just reacting as an audience. But that's what he pours into his characters, into his writing, and into our very, very special, lovely, heartfelt, cute, sweet, beautiful, हंसाने वाली और रोनाने वाली और आपको एक मैसेज देने वाली फिल्म। I must tell you, Jayesh, for me, is the new age action hero. He is my... पहले थैंक यू टू शानू, शानू ने मुझे कैफे में देखा था और वहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था और तभी मुझे लगा कि ठीक है यशराज की फिल्म है, ऑडिशन करना है, थोड़ी ना होगा मेरा कुछ। एक मिनट, शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था, आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी। क्या बताया उसने? वेटर की क्लास ले रही थी आप? नहीं मेरा नाम ये कौन पटाखी है यार? नहीं नहीं, मैं जानती थी उनको, मैं अपना सीट चेंज करवा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन होगा, ठीक ठाक होगा, यशराज ने थोड़ी ना पिक्चर मिल गई, मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है। और मुझे 2 दिन बाद कॉल आया 2 दिन बाद कॉल आया कि एवरीबडी लव्ड यू एंड दे वॉन्ट टू मीट यू एंड मनीष शर्मा वॉन्ट्स टू मीट यू। मनीष शर्मा बैंड बाजा बारात, और मनीष शर्मा को ज्यादा किसी ने देखा नहीं है ना, इट डजंट कम आउट अ लॉट। मुझे लगा ओके पता नहीं कैसा होगा, मैं मिली और बहुत ही चिल मीटिंग थी, हम मिले और इन्होंने मुझे विराजी। तो डियर मीडिया टीम, क्या आप लोग तैयार हैं अपने अपने सवालों के लिए? आर यू ऑल गाइज रेडी? शैल वी ओपन द क्वेश्चन आंसर सेशन विद द टीम?
So, yes. So now, आप लोग के सवाल और स्टारकास्ट के जवाब. Let's go for it. अपने काम को लेके बहुत सीरियस है और हम भी बहुत सीरियस है, है ना शालिनी? बहुत टाइम पास किया हमने. मैं शालिनी और जिया बस हंसते रहे और चिवड़ा खाते रहे और ऐसे बना दी हमने ऐसे पिक्चर. शालिनी जी का फर्स्ट टाइम है तो शालिनी जी को सवाल किया जाए, चाहे मेरे बारे में हो. हाय गाइस, आई एम मोनिका फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा.